तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल मोड्स ऑफ अफेक्शन की। लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर के, ठीक है। और सभी का सपना होता होगा कि हमें सीडलेस तरबूज खाने को मिले। चाहते हो सभी? नहीं चाहते? मजा आ जाएगा अगर तरबूज में सीड ना हो, ठीक है। जैसे बनाना में सीड नहीं है, ठीक है, ऐसे ही आप लोग चाहते हो कि तरबूज में भी सीड ना हो। तो ये सीडलेस फ्रूट्स कैसे पैदा किए जाते हैं, ठीक है ना? सीडलेस फ्रूट कैसे हम लोग पैदा करेंगे, उसकी टेक्निक्स जानेंगे, और किन प्रोसेसेस में ऐसे फ्रूट्स पैदा होते हैं उनको जानेंगे। तो जिस प्रोसेस से सीडलेस फ्रूट पैदा होते हैं उसको हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फ्रूट के लिए एक टर्म बताई थी मैंने आपको, इसको हम फर्टिलाइज्ड ओवरी बोलते हैं, है ना? राइप एंड ओवरी बोल सकते हो, है ना? फर्टिलाइज, जब फर्टिलाइज ओवरी हो जाती है, या फिर जब ओवरी आपकी राइप हो जाती है, पक जाती है, तब वो क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाता है, ठीक है, तब वो फ्रूट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जैसे कुछ भी नहीं है, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट बनाएगी, ठीक है ना? एंड फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है ये बात आपको याद रखनी है। फर्टिलाइजेशन आपका होता है ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के अंदर में भी फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर, ठीक है ना? फीमेल गैमिटोफाइट यहाँ जाके होता है फर्टिलाइजेशन। अब नो फर्टिलाइजेशन याद रखना, हमेशा याद रखना, नो फर्टिलाइजेशन नो जायगोट, नो जायगोट नो एम्ब्रियो, नो एम्ब्रियो नो सीड। क्लियर है? ये स्टेप याद रखोगे, क्लियर है ना? ये सर बात तो आपको पता ही है। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन के साथ, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताई। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। अगर मैं आपसे कभी भी डेफिनेशन पूछूं पार्थिनोकार्पी की, तो आप डिफाइन कर दीजिएगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। अब ये जो टर्म है पार्थिनोकार्पी, ये किसने दी थी? ये दी थी नॉल ने, ये टर्म दी थी नॉल ने, 1902 में दी थी ये टर्म, ठीक है, नॉल ने। इसके बाद पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी बताया एग्जाम्पल में, बनाना, गुआवा, एप्पल, पाइन एप्पल। एप्पल हम जो खा रहे हैं, अगर उसमें सीड है, इट मींस वो पार्थिनोकार्पिक नहीं है, समझ गए? गुआवा जो हम खा रहे हैं, अगर उसमें सीड है, इट मींस वो पार्थिनोकार्पिक नहीं है। पाइनएप्पल ऐसे ही, पाइनएप्पल ऐसे ही, बनाना, बनाना जो हम खा रहे हैं, महक ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, अब समझ में आ गया महक? यस सर ये बनाना जो है, ये सीडलेस बनाना कौन सा है जो हम खाते हैं? वो है पार्थिनोकार्पिक बनाना। ओरिजिनल जो बनाना होते हैं उनके अंदर सीड होती है, आपने नहीं देखा वो अपनी लाइफ में, मैंने देखा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सीडलेस एप्पल दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग जाए कि हाँ सर, रियल में पार्थिनोकार्पी जैसा कुछ होता है। तो देखो यहाँ सेब के अंदर आपको बीज नहीं दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे ना एप्पल के अंदर? ये मत सोचना कि सर नो निकाल दिए गए हैं इसके अंदर से, ऐसा नहीं है, क्लियर है? अब एप्पल की लेयर्स की बात करें, जो मैंने आपको तीन लेयर्स पढ़ाई थी, ये जो बाहर रेडिश सी लेयर दिख रही है आपको, ये है एपिकार्प, फिर है मीजोकार्प, ये गूदेदार हिस्सा है जो, और फिर जो ये हार्ड सी लेयर आती है जो सीड को कवर करती है, एक हार्ड सी लेयर आती है एप्पल में, अगर आप कभी देखेंगे तो, वो होते हैं आपके एंडोकार्प। मैंने बताया था ना तीनों तरह की लेयर कल, क्लियर यस है? अच्छा, इसके बाद आप बात करते हैं। सर, हाँ जी बोलिए। जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो किस कैटेगरी में लाइक करेंगे? हाँ, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में भी पढ़ाएंगे, थोड़ी देर वेट कीजिए आप, ठीक है। देखिए ट्रू फ्रूट आप समझ लीजिए, चलो आपने पूछ लिया, ट्रू फ्रूट सिर्फ वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ जिसके पार्टीशन में सिर्फ किसका, जिसकी फॉर्मेशन में सिर्फ किसका पार्टिसिपेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ ओवरी का। अगर ओवरी के साथ कोई और स्ट्रक्चर भी पार्टिसिपेट कर रही है, अदर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो उसको कवर कर रही है, जैसे कल मैंने फ्रूट कैप्सूल बताई थी, अगर ओवरी के साथ साथ कुछ अदर स्ट्रक्चर भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। क्लियर है? ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट क्लियर हो गया? अगर सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट कर रही है तो ट्रू फ्रूट कहा जाएगा, ओवरी के साथ या फिर ओवरी के बिना किसी अदर स्ट्रक्चर,
से फ्रूट बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। लेकिन याद रखना, ओवरी के साथ अगर अदर स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट कर रही है फ्रूट फॉर्मेशन में तो वो कहलाएगा फॉल्स फ्रूट, और सिर्फ ओवरी से बन रहा है तो ट्रू फ्रूट। क्लियर है? यस सर। ओके चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। ऐसी में गुआवा दिखाना चाहूंगा, गुआवा सीडलेस। यहाँ पे दिखाना, ये गुआवा है और ये आप देख सकते हो इसके अंदर सीड वो नहीं। फॉल्स फ्रूट में अदर स्ट्रक्चर जो है वो थैलेमस के अलावा कोई और भी हो सकता है? थैलेमस हो सकता है उसका, और किसी फ्रूट में तो हम कैलिक्स को भी खा जाते हैं, और किसी फ्रूट में तो क्या होता है आपका, नहीं थैलेमस ही है, थैलेमस के सराउंड सबसे आउटर मोस्ट वही है, थैलेमस ही करता है और नहीं है। ठीक है, मेनली थैलेमस। इसके अलावा और एग्जाम्पल सर्च करने से मिल जाएंगे, बता देंगे आपको। ठीक है, फिलहाल टाइप्स ऑफ पार्थिनो कार के देखते हैं। यहां तक पहले बताओ, यहां तक सर में आ गए तीनों पॉइंट्स? क्लियर है यस एग्जाम्पल? सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पार्थिनो कार्पी पे चलते हैं। तो पार्थिनो कार्पी के तीन टाइप हैं, मतलब तीन तरह से पार्थिनो कार्पी हो सकती है, तीन तरह से। सबसे पहले है जेनेटिक पार्थिनो कार्पी। जेनेटिक पार्थिनो कार्पी क्या है? यहाँ पे जेनेटिक एल्टरेशन होता है, जो कि कैसे आ सकता है, या तो म्यूटेशन से आएगा या फिर हाइब्रिडाइजेशन से आएगा। कैसे भी उसके डीएनए में बस चेंज आ जाए, ठीक है ना, तो ऐसी पार्थिनोकार्पी को हम बोलेंगे जेनेटिक पार्थिनोकार्पी। और क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? जीन्स पर जीन्स पर डिपेंड करते हैं, मतलब डीएनए पर डिपेंड करते हैं, और इसी में ही कोई चेंज आ जाए, इसी में ही कोई चेंज आ जाए तो अब तो फिर डीएनए बदल जाएगा ना, अब तो इसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। और जब नेचर चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके एक्सप्रेशन भी चेंज होंगे। मान के चलो पहले इसका एक्सप्रेशन था E1, ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन बदल जाएगा। पहले मान चलो ये सीड फॉर्म करता था, अब ये सीड फॉर्म नहीं करेगा। मतलब पहले कुछ ऐसे केस होते थे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को ये प्रीफर कर देते थे, लेकिन अब इसके जीन्स में कुछ ऐसी अल्टरेशन आ गई है कि अब इसको वेट ही नहीं करना मेल गैमिट का, अब ये मेल गैमिट का वेट ही नहीं करेंगे। ओवरी बस ऐसे ही बिना बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी आपकी राइप हो जाएगी और फ्रूट बन जाएगी। और जब बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी राइप हो गई है, क्योंकि इसने वेट नहीं किया, किसका वेट नहीं किया, मेल गैमिट्स का वेट नहीं किया, और पहले ये वेट करते थे मेल गैमिट का, तो ये थोड़ा सा अल्टरेशन हो गया है। ठीक है, इस तरह की पार्थिनोकार्पी को हम नेचुरल पार्थिनोकार्पी भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल में नेवल ऑरेंज है, बनाना है, पाइनएप्पल है, वेराइटीज ऑफ एप्पल है, और ग्रेप है, पियर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी की। ठीक है, तो एनवायरमेंट, यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जिससे कि फ्रूट पैदा हो जाए पार्थिनोकार्पिक। ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो, फ्रॉस्ट हो, फॉग हो, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये इंड्यूस करते हैं किसको, पार्थिनोकार्पिक को इंड्यूस करते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि पियर के अंदर, ऑलिव के अंदर, कैप्सिकम के अंदर, टमेटो के अंदर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अगर इन प्लांट्स को ऐसे कोई भी फैक्टर मिल रहे हैं अपने चारों तरफ एनवायरमेंट में, तो होगा क्या, यहाँ पे फिर पार्थिनोकार्पी होगी, मतलब ये फिर वेट नहीं करेंगे मेल गैमेट का। कुल मिलाकर के आप बस ये सोच लो, पहले ये वेट करते थे मेल गैमेट के आने का जिससे कि वो फर्टिलाइज करे और फिर फ्रूट बने, लेकिन अब इनके अंदर कुछ ऐसा चेंज आ चुका है कि अब ये मेल गैमेट के आने का वेट नहीं करेंगे, इनकी जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट है, वो डायरेक्टली बिना बिना मेल गैमेट के खुद को राइप कर लेंगे और एक फ्रूट की फॉर्मेशन कर देंगे। सब स्ट्रक्चर्स बनेंगी, बस क्या नहीं बनेगा, एक एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और आपका एंडोस्पर्म भी नहीं बनेगा, और मतलब कुल मिलाकर के सीड नहीं बनेगी, क्योंकि सीड के अंदर क्या क्या मिलता है आप मुझे बताइए, सीड के अंदर क्या क्या मिलता है? सीड के अंदर एक तो एम्ब्रियो मिलता है, अरे सुन पा रहे हो बच्चों, ये बताओ। यस।
हाँ, एक तो एम्ब्रियो मिलता है, एंडोस्पर्म या पर अगर या एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या मिलता है, कॉटलेडॉन्स मिलते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते, और फिर उसकी लेयर्स मिलती हैं, सीड की लेयर्स, जो कि क्या है, सीड कोट, कौन कौन सी है, टेस्टा है और टैगमेन है, क्लियर है, यही तो मिलता है एक सीड में। और ये सब बनते कहाँ से हैं, सीड की जितनी भी स्ट्रक्चर कहाँ से बनती है, ओव्यूल से बनती है, बाकी जो ओवरी है ये तो फ्रूट बना सकती है ना, लेकिन जो ये सीड है, सीड कहाँ से बनता है, ओव्यूल से, ओव्यूल का कुछ काम रहा नहीं क्योंकि इसको मेल गैमेट मिला नहीं, तो सीड तो बनेगी नहीं, ठीक है, सिर्फ क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, क्लियर है, फ्रूट कहाँ से बनता है, ओवरी से बनता है, क्लियर है, समझ में आ गया। Yes, हाँ जी, इसके बाद अब देखिए आप, तो ये कुछ मैंने बताए थे एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी के बारे में, अब इसके बाद बात करते हैं केमिकली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। देखिए ये आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं या फिर एक पेस्ट बनाते हैं ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का, लो कंसेंट्रेशन में, लगभग 10^-6 to 10^-7 मोल, ठीक है, इतनी मोलरिटी का होता है, मोलरिटी क्या होती है आपने पढ़ा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, हैज बीन फाउंड टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन सेवरल प्लांट्स, समझ गए। तो ये जो स्प्रे है इनका, ये जो पेस्ट है, ये भी ओवरी को पका देते हैं बहुत जल्दी से, और उससे फिर फ्रूट पैदा करते हैं सीडलेस, जैसे कि एग्जाम्पल में टमेटो है, व्हाइट टेस हम बोलते हैं अंगूर को, ठीक है, कुकुरबिट्स है, सिट्रस है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, फिग है, तो ये सब है टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पी। अब ये जो है, ये तीन टाइप की पार्थिनोकार्पी बताई है, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूंगा आर्टिफिशियल इंडक्शन की तरफ, ठीक है, कि आर्टिफिशियली हम कैसे कैसे पार्थिनोकार्पी को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि स्प्रे करते हैं ऑक्सिन का जिससे कि एंथेसिस हो जाती है, और जिबेलिन का जिससे कि एंथेसिस हो जाती है, ये एट एंथेसिस के टाइम पे होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर एंथेसिस क्या होता यस सर। है ना, तो सुने ध्यान से, एंथेसिस क्या होता है, आपने देखा है फ्लावर पहले बर्ड फॉर्म में होता सर है ना, पहले बर्ड फॉर्म में होता है फ्लावर, है ना, अब सुनिए ध्यान से, सुनना लेक्चर को, है ना, इसके अंदर ये पहले बर्ड फॉर्म है फ्लावर की, अब जैसे ही फ्लावर खुलेगा, ठीक है ना, जैसे ही फ्लावर ओपन होगा, फ्लावर ओपन होते हैं, अच्छा ऐसे फ्लावर जो ओपन हो जाते हैं, ऐसे फ्लावर को कौन से फ्लावर बोलते हैं हम, चैस्मोगैमस यस चैस्मोगैमस यस, ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे चेस्मोगेम्स, ठीक है ना। अब मान के चलो ये ओपन हो रहा है, ये फ्लावर ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो ओपनिंग वाला टाइम है इसी को हम बोलते हैं एंथेसिस, समझ गए। तो यहां पे स्प्रेइंग कब कर रहे हैं हम, आफ्टर एंथेसिस, ऑक्सीजन को कब स्प्रे करेंगे, जब एंथेसिस हो जाएगा, मतलब जब फ्लावर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, एंथेसिस मींस ओपनिंग ऑफ फ्लावर, क्लियर है। और जिबरेलिन कब अप्लाई करेंगे, जब फ्लावर ओपन हो रहा होगा, एट एंथेसिस, क्लियर है, क्लियर है, एंथेसिस एक प्रोसेस है ओपनिंग ऑफ फ्लावर की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सर। लीजिए, अब मैं आगे पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। अब एक तो आर्टिफिशियल इंडक्शन में स्प्रेइंग करेंगे इसका, और या फिर पॉलिनेशन को करा देंगे, डिले करा देंगे, पॉलिनेशन को डिले करा देंगे, क्योंकि हमें पॉइंट गेंस नहीं चाहिए, हमें मेल गैमेट नहीं चाहिए, ठीक है ना, या फिर हम अगर पॉइंट गेन लैंड भी कराएंगे तो कोई फॉरन पॉइंट गेन लैंड कराएंगे, फॉरन पॉइंट गेन से हमें दो चीजें मिल सकती हैं, या तो फॉरन पॉइंट गेन उसके ऊपर जर्मिनेट ही नहीं करेगा, ठीक है, जर्मिनेट नहीं करेगा जिससे कि अब मेल गैमेट तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं, और मेल गैमेट नहीं पहुंचेंगे तो याद रखना अभी क्या बताया था, नो फर्टिलाइजेशन, नो जायगोट, नो जायगोट, नो एम्ब्रियो, नो एम्ब्रियो, नो सीड, क्लियर है। या फिर दूसरा केस, अगर हम कोई फॉरन पॉइंट गेन डालते हैं तो उससे एक और केस होता है जेनेटिक एल्टरेशन, अभी मैंने बताया था जेनेटिक एल्टरेशन के बारे में, है ना, अब हम आर्टिफिशियली जेनेटिक एल्टरेशन करा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पैदा हो जाएगा,
या फिर हम यूज करेंगे पाउडर्ड पोलन का, ठीक है ना, एक मिनट मैं इसको रेज कर दे, या फिर हम यूज करेंगे पाउडर्ड पोलन का या फिर पोलन एक्सट्रैक्ट का। याद रखना इसके अंदर बिल्कुल भी मेल गैमिट फंक्शनल नहीं है, इसके अंदर मेल गैमिट नहीं है, या फिर मेल गैमिट है भी तो एकदम खत्म मेल गैमिट है, कुछ काम नहीं करेंगे वो मेल गैमिट। कुल मिला के हमें बस स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन डालने भी हैं तो खराब पोलन ग्रेन डालेंगे, जिससे कि वो अंदर ही नहीं जाएंगे, वर्सेटाइल नहीं डालेंगे, ठीक है ना। मैंने बताया था ना पोलन जर्मिनेशन के टाइम पर सब कुछ समझाया था, तो जब ये जाएंगे ही नहीं तो ओवरी एक टाइम तक ही वेट करेगी, एक टाइम तक ही वेट करेगी मेल गैमिट का। उसके बाद अगर मेल गैमिट वहां तक नहीं पहुंचा है तो फिर वो सीडलेस फ्रूट में कन्वर्ट होगा। अब ऐसा हर किसी के साथ नहीं है, ये तरह तरह के प्लांट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है, ठीक है। इसके बाद कटिंग स्टाइल फ्रॉम बेस एंड अप्लाइंग केमिकल्स। अब देखो हम स्टाइल को ही कट कर देंगे उसके बेस से, लाइक ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है और नीचे में क्या है, ओवरी है, तो स्टाइल को ही कट कर देंगे उसके बेस से और फिर कुछ केमिकल्स डालेंगे, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। लेनोलिन के पेस्ट में और कट सरफेस पे उसको लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे फिर उस पेस्ट को, इधर इस जगह पे लगा देंगे। याद रखना केमिकल कौन सा लिया हमने, केमिकल्स लिए हैं इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। किस में लाए हैं ये हमने, लेनोनिल के पेस्ट में लाए हैं और कट सरफेस पे लगा दिए हैं। तो इससे भी पार्थिनोकार्पी इंड्यूस होती है, याद रखना पार्थिनोकार्पी ऐसे ऐसे आप लोग इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बस इन सब का टोटल निचोड़ यही है कि हमने मेल गैमेट को वहां तक नहीं जाने दिया है और ये सब स्प्रेज वगैरह हमने यूज करे हैं, ऑक्सिन जिब्रेलिन, जिसकी मदद से क्या हो जाएगा कि सीडलेस फ्रूट्स हम पैदा कर पाएंगे। सीडलेस फ्रूट्स पैदा कैसे होंगे, जब हम फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, जब हम फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे इस तरह सीडलेस फ्रूट पैदा हो जाएंगे। और सीडलेस फ्रूट पैदा हो रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, इसका मतलब है हमने उसको मेल गैमिट से नहीं मिलने दिया है। तो यही इन टोटल में बताना चाह रहा हूँ, बस टोटल केस यही है आपका कि मेल गैमिट से हम नहीं मिलने दे रहे हैं, ठीक है ना, या फिर मेल गैमिट को फीमेल ऑर्गन से नहीं मिलने दे रहे हैं। तो ये सब केसेस हैं और स्प्रे वगैरह हम कर देंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब हम पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट हैं डू नॉट कंटेन इरिटेंट सीड्स, ऐसे सीड्स जो हमें खाते टाइम दुखी करते हैं, जैसे कि तरबूज में दुखी करते हैं सीड्स हमें खाते टाइम, तो इरिटेंट सीड्स इसके अंदर नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो इनको हमें रिमूव नहीं करना पड़ेगा सीड्स को, जो टाइम हमारा जाता है सीड्स को रिमूव करने में फ्रूट को खाने से पहले, वो टाइम अब नहीं जाएगा, वो हमें इरिटेशन नहीं होगी ऐसे किसी सीड से। तो ये हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। इसके बाद है फ्रूट्स कैन बी डेवलप इनसाइड द ग्रीन हाउसेस वेयर पॉलिनेटर्स आर नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे फ्रूट्स को हम ऐसी जगह पे भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे पॉलिनेटर्स ना हो, बताओ इसके बारे में, इसके बारे में बताओ मुझे, पॉलिनेटर्स नहीं है, पॉलिनेटर्स नहीं है ऐसी जगह पर भी हम ऐसे फ्रूट्स को ग्रो क्यों करा सकते हैं, कौन बताएगा। बताओ भाई, सोचो थोड़ा, सोचो और बताओ मुझे, हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को ऐसी जगह पर भी ग्रो कर सकते हैं जहां पे पॉलिनेटर्स नहीं है, बताओ कैसे, क्योंकि मेल गैमेट की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, गैमेट की जरूरत नहीं है, पोलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं है, नो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स की नीड है, ठीक है। तो सही बताया आपने एकदम। इसके बाद अगर हमें फूड प्रोसेसिंग भी करनी है तो एकदम क्विक फूड प्रोसेसिंग हो जाएगी। अगर मैं आपको एक ऐसा फ्रूट दूं, ऐसे तरबूज दूं, आपके घर में मेहमान आए हुए हैं चार पांच, ठीक है, चार पांच मेहमान आए हुए हैं और आपको मैंने एक तरबूज दिया पार्थिनोकार्पिक और एक तरबूज दिया मैंने आपको नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन से पैदा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर सीड्स मिलेंगी और इसके अंदर सीड्स नहीं है, आप कौन से फूड को जल्दी प्रोसेस करके दे दोगे।
है ना, सीधी सी बात है। और ऐसे कितने ही हम फूड आइटम्स बनाते हैं लाइक जो फ्रूट से बनते हैं, तो उसमें फूड के प्रोसेसिंग में सीड्स दिक्कत देती हैं, तो ऐसे फ्रूट्स की मदद से हम ये काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर किसी को टॉयलेट भी जाना हो तो 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि इतने मिनट में वो कितने ही पैकेट्स या फिर कितने ही प्रोडक्ट बना देते हैं मशीन से बहुत जल्दी फटाफट, तो वहां पे टाइम की कीमत होती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या कंपनीज जहां पे सीड्स नहीं चाहिए उनको अपने जूस में, आपने कोई फ्रूट जूस पिया हो मिनट मेड का, पिया है मिनट मेड का, एक मिनट मेड कंपनी तो सुनी होगी आपने, सुना मिनट मेड? यस सर, मिनट मेड का एक प्रोडक्ट आता है पल्पी ऑरेंज, है मिलता है हमारे इधर में, ठीक है ना, पल्पी ऑरेंज का एक ड्रिंक आता है, ऑरेंज ड्रिंक है ये, तो इसमें क्या है सीड्स नहीं मिलते लेकिन पल्प मिलते हैं ऑरेंज के, बहुत सारे पल्प है ना, और ड्रिंक के साथ आते हैं तो मजा आता है इसको पीने में। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनको फूड प्रोसेसिंग में, अगर आपकी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, पहले ये बताओ कि आपने मार्केट से कोई जूस लिया है फ्रूट जूस बॉटल्ड वाला, जैसे कि पल्पी ऑरेंज मिनट मेड का, इसमें कभी आपको सीड्स मिली है? नो सर, तो और ऐसी बड़ी कंपनियों के लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जल्दी से जल्दी फ्रूट प्रोसेस करने के लिए इनकी नीड यही होती है कि हमें कोई ऐसा फ्रूट मिल जाए जिसमें कि सीड्स ही ना हो, तो हमारा टाइम वहां खर्च ना हो, क्योंकि इनके लिए टाइम इज मनी होता है और आपके लिए भी होना चाहिए, ठीक है, ये टाइम की बहुत कदर करते हैं। तो इसी के साथ ये हो जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का एंडिंग, और अब हम बात करेंगे बाकियों के बारे में कल।